गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम डेटा एनालिसिस भी करते हैं, देखते हैं डेटा में FIIs ने क्या किया, DIIs ने क्या किया और प्रॉप डेस्क ने क्या किया। तो सबसे पहले हम कैश के डेटा की बात कर ले, तो अगर हम कैश में देखेंगे तो कैश में आपको क्लियर दिखेगा कि FIIs आज फिर नेट बायर्स थे। उन्होंने लगभग 1436 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है, ये काफी अच्छा नंबर है। अगर हम बात करें DIIs की, तो आज भी वो नेट सेलर थे, उन्होंने लगभग 548 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। अगर हम डेरिवेटिव की डेटा की बात करें तो हमें कोई खास एक्टिविटी वहां देखने को नहीं मिली है ऑप्शन में, बट फ्यूचर्स में फ्रेश पोजिशन बनी है। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में आपको दिखेगा जो क्लाइंट है वो बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने लगभग 7000 के आसपास लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए, वही उन्होंने लगभग 5600 के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया। बात करें DIIs की तो उन्होंने 521 के आसपास लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए, शॉर्ट ना के बराबर उन्होंने लगभग 52 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट क्रिएट किए। अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs आपको लगभग 2000 के आसपास लॉन्ग बनाते हुए दिखेंगे, वहीं 4000 के आसपास उन्होंने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बट आज जो एक्टिविटी थी बेसिकली मार्केट में वो सारे प्रॉप डेस्क के ड्रिवन थी, उन्होंने लगभग 10000 के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए। टोटल अगर हम देखें तो लगभग 9182 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना है, जो कि लगभग 2.5% के आसपास है। और मार्केट अगर हम देखें, मार्केट ऊपर गया, अगर हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एनालिसिस करें तो मार्केट ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, ये हमें एक लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आज FIIs का बहुत ज्यादा लाइक एक्टिविटी नहीं था, जो भी एक्टिविटी था वो प्रॉप डेस्क का था, वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे थे। बट यहाँ पे हम देखें तो सामने क्लाइंट भी यहाँ पे लॉन्ग करते हुए दिखे। चलिए ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में अपने को वैसा कुछ खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिला, क्योंकि ट्यूसडे को छुट्टी है, तो कोई भी किसी को भी लाइक ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट किधर को जाएगी। बट अगर हम देखें यहाँ पे तो कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की गई है, जो भी पोजीशन बनी थी वो इंट्राडे में क्लोज कर दी गई। तो हमें यहाँ पे ना FIIs की एक्टिविटी दिख रही है, ना प्रॉप डेस्क की दिख रही है, ना ही क्लाइंट की कोई खास एक्टिविटी यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दिख रही है। बट हम बात करें तो आपको दिखेगा कि जो FIIs है वो कैश में बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में भी उनके पास बहुत ज्यादा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, तो फ्यूचर्स में भी वो बुलिश है। बट अगर हम बात करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। तो FIIs ये लेके चल रहे कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो मंडे को पॉजिटिव होने की चांसेस है। वही प्रॉप डेस्क अगर देखें तो प्रॉप डेस्क जो है वो फ्यूचर में शॉर्ट पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं, वीकनेस के साथ ट्रेड करने के चांसेस है। चलिए हम चार्ट पे देखें, चार्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो हम निफ्टी देखें, निफ्टी हमें बता रहा है कि निफ्टी का अगर हम पहले डेली चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि निफ्टी यहाँ पे एक काफी अच्छे जगह पे बैठा है, जहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। निफ्टी यहाँ पे एक डबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, फिर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, हायर लो शिफ्ट हुआ, निफ्टी ऊपर आया, अब यहाँ पे निफ्टी आके कंसोलिडेट कर रहा है पिछले चार दिन से। तो निफ्टी कोशिश कर रहा है कि इस रेंज से बाहर निकले, चांसेस बहुत ज्यादा है कि निफ्टी ऊपर के साइड को ब्रेकआउट दे। तो मेक श्योर जो हमारा स्ट्रेटजी होगा कि अगर हम कोई भी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हम वहां पे अपने फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। बट अगर हमें कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है इंट्राडे में और हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हम अपने क्वांटिटी को रिड्यूस कर लेंगे। तो जनरली हम अपने, मान लीजिए कि अगर हम 10 लॉट पे ट्रेड करते हैं तो हम शॉर्ट के साइड में 5 लॉट ऐड करेंगे, और वहीं अगर हम लॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग के साइड में हम 10 लॉट ऐड करेंगे। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं निफ्टी क्या बता रहा है हमें और निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो अगर निफ्टी मान लीजिए कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये कल का हाई क्रॉस करता है, हम इमीडिएट यहाँ पे बाई करेंगे। इसके ऊपर हमारा 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 टारगेट होगा। निफ्टी कोशिश करेगा ये स्विंग को पहले रीटेस्ट करने का, यहाँ पे ये रीटेस्ट करने के बाद निफ्टी वापस से कोशिश करेगा कि क्लोजिंग में ये ऊपर के साइड को क्लोजिंग दे के कहीं पे भी 18,200 के आसपास में क्लोज दे, ताकि यहाँ पे आने के बाद निफ्टी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है या एक्सपायरी के आसपास निफ्टी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हॉल्ट करेगा और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड। तो निफ्टी कोशिश करेगा अपने ऑल टाइम हाई को एक बार रीटेस्ट करने का। तो हम जब भी निफ्टी लॉन्ग करेंगे तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, वहीं अगर हम शॉर्ट की तरफ पोजीशन बनाते हैं तो हम क्वांटिटी रिड्यूस कर लेते हैं। मान लीजिए अगर निफ्टी कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कहीं पे भी लाइक 18,000 के आसपास निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, इसके बाद अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो हम इमीडिएट इसको शॉर्ट नहीं करेंगे,
हम 18,000 के नीचे निकलने के बाद हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, या तो एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज करें, फिर ये कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे, या फिर 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये वापस से रिकवर करता है और फिर ये ब्रेकडाउन देता है तो ही हम फिर शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, नहीं तो हम शॉर्ट को अवॉइड करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख ले। बैंक निफ्टी हमें कंपैरेटिवली निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा वीक लगा, क्योंकि सारा दिन बैंक निफ्टी प्रेशर में था। सुबह खुला, खुलने के बाद एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, शार्प सेलिंग के बाद फिर बैंक निफ्टी रिकवर करने की कोशिश किया, बट लास्ट टाइम में हमें जाके यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी मान लीजिए कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कहीं पे भी 41,000 के लेवल के आसपास ये गैप डाउन खुलता है और इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम इमीडिएट शॉर्ट करेंगे, हम यहाँ पे कैंडल क्लोज का वेट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर नीचे निकलता है हम इमीडिएट इस लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर हम इस लेवल को देखें तो ये लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी पहले भी इस लेवल को काफी बार रीटेस्ट कर चुका है, ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार। अगर इस बार ये इसके नीचे आता है तो ये फ्लो में नीचे आ जाएगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट बैंक निफ्टी कोशिश करेगा 40,800 ये स्विंग को रीटेस्ट करने का। बहुत बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे, ये स्विंग को रीटेस्ट करने का। अगर हम बैंक निफ्टी को डेली चार्ट में देखें तो आपको काफी इंटरेस्टिंग दिखेगा, पिछले 9-10 दिन से बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो इधर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें एक अच्छा मूव 1.5-2,000 पॉइंट का इजिली देगा। तो ऊपर में ये लेवल जो बन रहा है ये 41,700 के आसपास का लेवल है, बैंक निफ्टी इसी रेंज में फंसा हुआ है पिछले 9 दिन से। तो अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए ऊपर को ब्रेकआउट देता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम 1.5-2,000 पॉइंट का पोजिशनल टारगेट मिल जाएगा, और नीचे के साइड को ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहाँ पे भी एक अच्छा 1.5-1,500 का पोजिशनल टारगेट मिल जाएगा। अगर हम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लाइक कि छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, ऑप्शन का डेटा अगर इसमें कंबाइन करके देखें तो आपको क्लियर दिखेगा कि जो भी कॉल राइटर है, जिन्होंने भी कॉल राइट किया, मान लीजिए जो जिन्होंने भी यहाँ 41,500 41,400 का जो कॉल राइट किया, उनका स्टॉप लॉस ये लेवल होगा, क्योंकि ये लेवल भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर आप देखें यहाँ एक बार, ये दो बार, ये तीसरी बार, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर इन केस बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद ये लेवल क्रॉस करता है, हम इमीडिएट इसके ऊपर बाय इनिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे स्टॉप लॉस होंगे, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और बैंक निफ्टी को एक बूस्ट मिलेगा ऊपर के साइड ब्रेकआउट देने का। तो 41,500 पे हमारा जो है हाफ क्वांटिटी ऐड हो जाना चाहिए। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपका 5 लॉट यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए बाइंग के लिए, और बाकी का जो 5 लॉट है वो 41,700 के ऊपर जैसे ही निकलता है हम बाकी का 5 लॉट जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जो टारगेट हमारा होगा हम समवेयर अराउंड 42,500 के आसपास का टारगेट पोजिशनली प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ निकलता है तो हम इमीडिएट बाई करेंगे, यहाँ पे 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए, 1:2 टारगेट। और इन केस जैसा कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम डायरेक्टली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर डेली कैंडल पे देखेंगे तो आपको एक डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, जो कि इट मींस कि यहाँ पे अगर आप प्राइस को समझे, प्राइस का साइकोलॉजी समझे कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की गई है, तो जिन्होंने भी शॉर्ट पोजिशन बनाया होगा ये उनका स्टॉप लॉस होगा, एक काफी छोटे स्टॉप लॉस में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया होगा, और जिसने भी लॉन्ग बनाया होगा वो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा। तो इधर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कल ये किधर को ब्रेकआउट देता है, अपन उधर के साइड को ही ट्रेड करेंगे। बट हाँ, मेक श्योर की जो रिस्क मैनेजमेंट है और मनी मैनेजमेंट है उसका ध्यान रखना जरूरी है। तो हम शॉर्ट साइड में जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करेंगे और लॉन्ग साइड में जो क्वांटिटी है हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। चलिए अब हम स्टॉक्स देख ले कल के लिए। तो पहला स्टॉक्स यहाँ पे आपको एशियन पेंट दिखेगा, काफी अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे डेली में तो आपको एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल रहा था कंटिन्यूअसली, या शार्प सेलिंग में था, बट अब यहाँ पे आके ये हॉल्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर सेलर्स को इसको नीचे लेके जाना होता तो ये इतना वेट नहीं करते, ये यहाँ से तुरंत इसको नीचे लेके आ जाते, बट सेलर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, और हमें प्राइस पे भी एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ एबीसी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से नीचे आया, ये पुल बैक हुआ और ये अब वापस को रिज्यूम कर रहा है, और ये कल का जो कैंडल है ये इसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज दे रहा है। तो अगर कल एशियन पेंट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर 3182 के ऊपर निकलता है हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे, 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा,
एशियन पेंट कोशिश करेगा कि ये इस स्विंग को एक बार रीटेस्ट करे, इसके बाद अगर ये कोशिश करता है इसके ऊपर क्लोज देने का तो फिर हम पोजिशनली प्लान करेंगे फिर आगे का क्या हो सकता है। तो फिलहाल हमारा प्लान होगा कि 8 से 9 रुपया का स्टॉप लॉस, 1:2 हमारा टारगेट होगा। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, कहीं पे भी आपका 30, 30, 31, 70 के आसपास या 70 के नीचे खुल जाता है तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक है नैल्को, नेशनल एलुमिनियम। नेशनल एलुमिनियम देखे तो काफी टाइम से ये एक डाउन ट्रेंड में था कंटिन्यूअसली, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सेलर अब कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर जा रहे हैं, बायर्स अब यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पे इसका कंट्रोल लेते हुए दिख रहे हैं। तो आपको क्लियरली दिखेगा एक शार्प सेलिंग था, शार्प सेलिंग के बाद ये पुल बैक आया, सेलर्स वापस से आए, कोशिश किए कि नीचे लेके जाए जैसा मैंने एशियन पेंट में बताया था, बट यहाँ पे वो इस लो को वो ले नहीं पाए। इट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स वापस से एक्टिव हो गए और ये ऊपर लेके जाने लगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी दिख रहा है। तो अगर कल ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 7350 के ऊपर निकलता है, हम इमीडिएट इसको लॉन्ग करेंगे। 50 पैसे से 1 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। और नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टॉक है पीवीआर। पीवीआर भी लॉन्ग साइड में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक सेलिंग था, सेलिंग होने के बाद जैसा मैंने बताया यहाँ से देखिए ये ऊपर आया, सेलर को नीचे लेके जाना था तो वो उतना यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि जो डाउन मूव होता है दे आर ऑलवेज फास्ट। तो एज वी ऑल नो कि लाइक जो बुल्स होते हैं वो लैडर को चढ़ते हैं और बियर्स दे जंप्स डायरेक्टली फ्रॉम द विंडो, तो सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे एक पैटर्न जो बन रहा था, यहाँ पे सेलर्स इसको नीचे लेके आए, बट अब यहाँ पे ये वापस से जो सेलिंग का प्रेशर था ये एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। आप देखें ये लो था, फिर ये लो बना, अब ये लो बना, और ये डबल बॉटम या फिर आप ट्रिपल बॉटम बोले इसका फॉर्मेशन होके अब इसका ब्रेकआउट और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कल पीबीआर फ्लैट खुल के कहीं पे भी 1832 के ऊपर निकलता है तो 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। सेलिंग के लिए फ्रेंड्स हमने एक स्टॉक रखा है टीवीएस मोटर। हमने पिछले बार भी इसको कोशिश किया था सेल करने का इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे, बट हमें वैसा कुछ मौका यहाँ पे मिला नहीं। रीजन भी हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि हमारा जो भी स्टॉक्स हो इंट्राडे में हमें उसकी ओपनिंग लगभग फ्लैट चाहिए। तो टीवीएस मोटर हमने प्लान किया था कि इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम सेल करेंगे, बट ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, लगभग 5-6 रुपया का गैप डाउन खुल गया तो हमें कहीं पे एंट्री मिला नहीं और ये वापस से ऊपर आ गया। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम इंट्राडे में स्टॉक्स को शॉर्ट करें या लॉन्ग करें मेक श्योर कि वो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना हो। तो टीवीएस मोटर अगर हम देखें तो आपको प्राइस एक्शन में एक यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि अब इसे कंट्रोल लेने का, भले यहाँ पे कोई भी अप मूव आ रहा है मगर जो भी स्विंग बन रहे ऊपर के साइड को ये स्विंग को ये ले नहीं पा रहे, ये स्विंग के ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहे, इट मींस और ये धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। तो अगर टीवीएस मोटर कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 1110 के नीचे निकलता है, हम इमीडिएटली इसको सेल करेंगे, 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। टीवीएस मोटर कोशिश करेगा कि इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करे क्योंकि यहां से ये ब्रेकआउट दिया था तो ये वापस से इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। मेक श्योर कि अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए या फिर गैप डाउन खुल जाए तो फिर हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंडरफुल डे, बाय।